सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 4 बाइक के बारे में जो आपको इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी 2023 में। ये सारी बाइक बिल्कुल कंफर्म है और आने वाले कुछ ही महीनों में लॉन्च होने वाली है, और ये सारी बाइक अपने अपने सेगमेंट की बेस्ट बाइक है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ये बाइक कौन से मंथ में लॉन्च होगी, लॉन्च होने पर इनका क्या प्राइस रखा जाएगा, कौन कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे और बाइक में कितनी पावर होगी। तो अगर आप भी आने वाले टाइम में किसी न्यू बाइक को परचेस करने का प्लान बना रहे हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना। और इस वीडियो का लाइक मैंने रखा है 150 लाइक्स का, आई नो होपफुली आप जल्दी से करवा दोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को और बात करते हैं इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली टॉप 4 बाइक्स के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों इंडियन टू व्हीलर मार्केट की मोस्ट अवेटेड बाइक जो लॉन्च होगी होंडा की तरफ से, होंडा CBR 150R। इस बाइक का जो डिजाइन पेटेंट है वो फाइल हो चुका है इंडियन मार्केट में, और लॉन्च होने पर ये सीधा कंपटीशन देने वाली है यामाहा R15 V4 को, क्योंकि दोनों ही बाइकों में सेम अग्रेशन है, सेम पावर है और लुक्स भी दोनों ही बाइकों के काफी अच्छे है। तो चलिए बात करते हैं होंडा CBR 150R के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो होंडा CBR 150R में आपको 149.16 cc का इंजन देखने को मिलेगा जो की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 17.1 bhp की 9000 rpm पर, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14.4 न्यूटन मीटर का 7000 rpm पर। इस पावर के साथ ये बाइक 130 से 135 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें फीचर्स के बारे में तो आपको इसमें डुअल चैनल एबीएस मिलेगा आप सभी की सेफ्टी के लिए। बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स है और साथ ही साथ आपको फुल्ली डिजिटल कंसोल मिलेगा जिसमें आपको सभी फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। बाकी इसमें कोई एडवांस फीचर नहीं है राइडिंग मोड्स वगैरह। और सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में अपसाइड डाउन फोक का यूज किया गया है, और बाइक के रियर पार्ट में आपको मोनोशॉक अब्सॉर्बर मिलेगा। और होंडा CBR 150R के टायर साइज की बात करें तो इसके फ्रंट पार्ट का टायर है 100x80mm का, और बाइक के रियर पार्ट का टायर है 130x70mm का, जो कि ज्यादा वाइड नहीं है कंपैरिजन में बाकी बाइकों के। और बाइक की लाइट्स में आपको फ्रंट पार्ट में, रियर पार्ट में, साइड इंडिकेटर में हर जगह LED लाइट्स मिलने वाली है, जो कि एडवांटेज है होंडा CBR 150R के लिए। बाकी डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 139 kg का, बाइक काफी ज्यादा लाइट वेट है, काफी निम्बल है सिटी राइडिंग के लिए। बाइक में आपको 780mm की सीट हाइट मिलेगी जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको इसमें 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी जो कि आपको 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। बाकी जो बाइक का डिजाइन है वो आपने देख ही लिया है जो कि इंस्पायर्ड है होंडा CBR 250RR से। तो फाइनली बात करते हैं होंडा CBR के 9 स्टेट के बारे में और प्राइस के बारे में। ये बाइक दोस्तों आपको अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 1,65,000 से 1,75,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर। तो अगली बाइक आएगी दोस्तों बेनेली की तरफ से, और ये होने वाली है 250 cc कैटेगरी में आने वाली लियोनसिनो। इस बाइक के लॉन्च होने का वेट इंडियन मार्केट में काफी टाइम से करा जा रहा है। लास्ट ईयर बेनेली ने TRK 251 को लॉन्च करा था इंडियन मार्केट में, तो इस साल आपको लियोनसिनो लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। और ये बात आप सभी को पता है कि बेनेली फिलहाल में लोअर सीसी सेगमेंट पे ज्यादा काम कर रहा है इंडियन मार्केट में, तो इस बाइक को हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये 2023 में लॉन्च होने वाली है। तो ये जो बाइक है ये आएगी रेट्रो सेगमेंट में, और बाइक में आपको मिलेगा 249.4 cc का वाटर कूल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 26.82 bhp की 10,500 rpm पर, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 20.5 न्यूटन मीटर का 8,500 rpm पर। फीचर्स में आपको बाइक में डुअल चैनल एबीएस मिलेगा, 6 स्पीड गियरबॉक्स होंगे बाइक में, और कंसोल आपको बाइक में मिलेगा फुल्ली डिजिटल जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। और बाइक के सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में है 41mm के अपसाइड डाउन फोक, बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर है, और लाइट्स में आपको सभी पार्ट्स में LED लाइट्स मिलेगी। और बाइक के टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर है 110x70mm का, और रियर पार्ट का टायर है 150x60mm का। तो इस बाइक में आपको सेगमेंट में आने वाली सभी बाइक से वाइड टायर मिलेंगे। और डायमेंशन में इस बाइक का ड्राइव वेट है 155 kg का, बाइक काफी ज्यादा लाइट वेट है। 170mm के आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, और इसकी सीट हाइट है 810mm की जो थोड़ी बहुत दिक्कत देगी शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में। बाकी बाइक में 12.5 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और ये बाइक आपको 35 से 40 km का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक दोस्तों आपको 2023 के फोर्थ क्वार्टर में यानी कि अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है, और लॉन्च होने पर बाइक का प्राइस रखा जाएगा 2,20,000 से 2,50,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर। तो अगली बाइक है दोस्तों होंडा की तरफ से जिसका नाम रखा जाएगा होंडा CB350 ब्रिगेड, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक और बाइक आने वाली है 350 cc कैटेगरी में होंडा की तरफ से, और वो बाइक इसी साल लॉन्च होगी। तो चलिए बात करते हैं इस बाइक के बारे में।
तो क्योंकि ये बाइक आने वाली है राइवल में 100 350 के, तो इसका प्राइस रखा जाएगा थोड़ा सा कम बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक से। तो जो प्राइस होगा ना बाइक का वो आपको 100 350 के आसपास ये देखने को मिलेगा, एक्सपेक्टेड 150,000 से 160,000 के प्राइस पर। क्योंकि जब से हंटर लॉन्च हुई इंडियन मार्केट में काफी सारी सेगमेंट में आने वाली बाइक की सेल्स डाउन हो गई है, तो इसी चीज को देखते हुए होंडा ने डिसाइड कर लिया है कि वो अफोर्डेबल कैटेगरी में आने वाली CB350 की रेंज को लॉन्च करेंगे इंडियन मार्केट में। तो जो बाइक का इंजन होगा वो सेम रहेगा CB350 हाइनेस वाला, जो है 348 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 21.07 bhp की 500 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 30 Nm का 3000 rpm पर। बाकी फीचर्स में आपको इसमें सिंगल चैनल एबीएस डुअल चैनल एबीएस दोनों ही वर्जन देखने को मिलेंगे प्राइस कट ऑफ की वजह से। मोबाइल फोन कनेक्टिविटी शायद से बाइक में नहीं रहेगी, बाकी जो नेविगेशन है वो भी शायद कट ऑफ कर दिया जाएगा बाइक से। एंड बाकी फीचर्स में बाइक में 5-speed गियरबॉक्स होंगे, कंसोल आपको मिलेगा फुल्ली डिजिटल राउंड शेप वाला जो सेम यूज किया जा रहा है होंडा हाइनेस में, और जो डिजाइन होगा ना बाइक का वो थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली रखा जाएगा, मतलब बाइक की सीट हाइट कम होगी, बाइक का जो कर्व वेट है उसको कम करा जाएगा। बाकी बाइक आपको दिखने में 70-80% सेम होंडा CB350 हाइनेस जैसी लगेगी। बाकी बाइक में कलर ऑप्शन नए आएंगे, ग्राफिक्स आएंगे एंड लाइट्स में बाइक के सभी पार्ट्स में एलईडी लाइट्स का यूज किया जाएगा। और सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में आपको मिलेगा टेलीस्कोपिक फोक, रियर पार्ट में डुअल शॉक अब्सॉर्बर होगा। और बाइक के टायर साइज में फ्रंट पार्ट का टायर होगा 100x90mm का और रियर पार्ट का टायर होगा 130x70mm का। और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट होगा 150-160 kg के अराउंड, ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगी 160mm की और इसकी सीट हाइट होगी 765mm की, जो कि बिल्कुल फेयर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको दोस्तों बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 12 लीटर की, फिलहाल में होंडा हाइनेस में 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, लेकिन ये जो नई बाइक आने वाली है जो बेस्ड होगी होंडा हाइनेस पे उसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। और ये बाइक आपको 40 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में। ये बाइक आपको होंडा की तरफ से अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में। एंड ये बात होंडा ने खुद कंफर्म करी है कि वो 2023 के एंड तक इस बाइक को लॉन्च कर देंगे। तो फिलहाल में अगर आप प्लान कर रहे हो किसी न्यू बाइक को परचेज करने का, तो आप होंडा के इस न्यू बाइक के लॉन्च होने का वेट कर सकते हो। तो अगली बाइक है दोस्तों जिसको फिलहाल में ही स्पोर्ट करा गया है टेस्ट राइडिंग के टाइम पर, और इस बाइक के लॉन्च होने का वेट इंडियन मार्केट में काफी सारे लोग कर रहे हैं। तो ये बाइक होने वाली है टीवीएस की तरफ से टीवीएस अपाचे RTR 310, जो बेसिकली एक नेकेड वर्जन होने वाला है अपाचे RR 310 का। तो जैसा कि आप स्पोर्टेड इमेजेस में देख रहे हो कि बाइक को काफी अच्छा सा स्पोर्टी लुक दिया गया है, और जो बाइक की साइड प्रोफाइल है वो थोड़ी बहुत अपाचे RTR सीरीज से मैच करी है। बाकी जो बाइक की टेल लाइट है वो काफ़ी यूनिक है और बाइक पीछे से काफ़ी ऊंची है, तो काफ़ी स्पोर्टी लुक आ रहा है बाइक में। बाकी बात करते हैं बाइक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो बाइक में दोस्तों सेम इंजन यूज होगा जो टीवीएस अपाचे RR 310 में है, और वो इंजन इस बाइक के साथ मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 34 bhp की 9750 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 27.3 Nm का 7700 rpm पर। और फीचर्स में आपको इसमें डुअल एबीएस मिलेगा, राइडिंग मोड्स होंगे बाइक में, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलेगा और 5 inches का TFT कलर डिस्प्ले भी आपको मिलेगा टीवीएस की तरफ से, जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। और जो दोस्तों माइलेज होगा ना बाइक का वो आपको मिलेगा 30-35 kmpl का सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। और सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट आएंगे गोल्डन यूएसटी फोक्स, बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर होगा और बाइक के टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर होगा 110x70mm का और रियर पार्ट का टायर होगा 150x60mm का। बाकी बात करें बाइक के डिजाइन के बारे में, तो टीवीएस अपाचे RTR 310 में आपको फ्रंट पार्ट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेगा, बाइक दोस्तों काफी बल्कि सी होगी। बाकी लाइट्स में आपको सभी पार्ट्स में एलईडी लाइट्स मिलेगी टीवीएस की तरफ से। और डायमेंशन में बाइक का कवर वेट होगा 160-170 kg का और आपको बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी 170mm की और इसकी सीट हाइट होगी 800-810mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको बाइक में 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में। तो जो बाइक की एग्जैक्ट लॉन्च डेट है ना वो अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं हुई है, लेकिन आपको ये बाइक आने वाले 2-3 महीनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि 2023 के थर्ड क्वार्टर में। और लॉन्च होने पर बाइक का प्राइस रखा जाएगा 240,000 से 260,000 के एक्सट्रीम प्राइस पर, जो आपको ऑन रोड देखने को मिलेगा इंश्योरेंस RTO लगाकर 270,000 से 290,000 के प्राइस पर। तो ये जो बाइक आने वाली है ना, ये लॉन्च होने पर सीधा कंपटीशन देने वाली है KTM Duke 390 को, Yamaha MT-03 को, जो फिलहाल में लॉन्च होने वाली है, और बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक को। तो इस बाइक के लॉन्च होने का वेट उन लोगों को करना चाहिए जो फिलहाल में प्लान कर रहे हैं KTM की किसी बाइक को परचेज करने का, या फिर उनका बजट 2-3 lakh के अराउंड है और उन्हें एक ऐसी बाइक चाहिए जिसकी आफ्टर सेल सर्विस में या फिर बाइक की मेंटेनेंस में ज्यादा खर्चा ना आए, तो वो अपाचे RTR 310 के लॉन्च होने का वेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली टॉप 4 बाइक्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आप इनमें से कौन सी बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हो और आने वाले टाइम में कौन सी बाइक को परचेज करने वाले हो। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है
तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।